केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल के तहत थराले में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और ग्राम प्रहरियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यहां पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनहित की बजाय सिर्फ औद्योगिक घरानों को ही लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। मंत्री हूँ चमोली से और आज हमारे सारे ट्रेड यूनियन की संघर्ष संयुक्त लड़ाई है और इसमें हम मतलब जो निजीकरण है उसको बंद किया जाए और जो भी परेशानी हो, जो हमारे जो आज मानदेय हम लोगों तक पहुंच रहा है वो उसमें पूरा आय व्यय नहीं हो पा रहा है, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन घोषणा किया जाए। मैं चाहती हूँ और जो हमारे मिड डे मील की भोजन माताएं हैं इनके लिए भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। से खाना बना रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, टाइम पे हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो भी स्कूलों में सरकारी कार्यालय का बच्चों का जो भी आ रहा है वो हमको ढुला रहे हैं, ना तो हमको मतलब कोई पैसे दे रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं। जब सरकार उनको फ्री सामान दे रही है, सुविधा दे रही है, तो हमको ये वो भी तो दे रही होगी ना, उनको वो ढुलान भी तो दे रही होगी ना उनको, हैं। अभी हमको नवंबर से तनख्वाह नहीं मिली है। आंगनबाड़ियों का जो शोषण किया जा रहा है, एक तो जो एनजीओ के माध्यम से आजकल केले और अंडे, ये खजूर चिप्स जो दिए जा रहे हैं, ये हमारे केंद्रों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। आधे रास्ते में अब जगह जगह केंद्रों पे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ढुलान की तुम खुद उतारो। अंडे केले देहरादून से आ रहे हैं, अंडे अगर यहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ आते आते वो अंडे खराब हो जा रहे हैं। कई घर ले जाते केंद्र पे अंडे ले जाते हुए अंडे फूट जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है आंगनबाड़ी को। अगर टूट फूट हो गई तो आंगनबाड़ी इसका पैसा भरेगी या इसको पूरा भुगतान करेगी, ठीक। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारा न्यूनतम मानदेय 24,000 किया जाए। और आंगनबाड़ियों का शोषण किया जाता है, ये काम करो वो काम करो, दुनिया भर के काम आंगनबाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन हमें उस तरह का मानदेय कुछ भी नहीं दिया जाता है और हम इसलिए परेशान रहते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो 28-29 मार्च 2022 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन स्ट्राइक का जो आह्वान था, उसी के तहत हम आज जनपद के कई तहसीलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांगें यही हैं कि जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो स्कीमें हैं उनके बजट में जो कटौती की जा रही है उसको रोका जाए, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करना बंद किया जाए, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर जो यहाँ की जो सार्वजनिक जो परिसंपत्तियाँ हैं उनको कौड़ी के भाव हमारे केंद्र की सरकार अपने जो कॉरपोरेट मित्र घराने उनको बेचने का जो काम कर रही है इस पर रोक लगे, श्रम कानून जो चारों श्रम कोड हैं उनको वापस लिया जाए, जो पूर्व में जो बड़े कुर्बानी के बाद जो श्रम कानून हासिल किए थे उनकी बहाली हो, ये मांगों के लिए आज